एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मेरे पास में आपके लिए आज एक बहुत ही झकास इंफॉर्मेशन है। झकास मतलब बोलते हैं कि टिप्स रिलेटेड बात है। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम इंटरमीडिएट और योर सीए फाइनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज हु आर टू स्टार्ट देयर स्टडीज नाउ। मतलब जो लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं खुद की पढ़ाई, चाहे वो फाइनल के लिए हो चाहे वो इंटरमीडिएट के लिए हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और ये टिप रेलेवेंट किसके लिए है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए रेलेवेंट है। सो देखो, सबसे बड़ी गलती किसी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या होती है कि जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो या अपनी जो क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी बनाते हो, वो ना आप इतने अच्छे से नहीं बनाते कि आपको एग्जामिनेशन में उससे हेल्प हो पाए। एंड दैट इज रियली वेरी ट्रू। मैंने हमेशा ऐसा देखा है कि लास्ट के 1.5 डेज में स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि उनको क्या कवर करना है या क्या रह गया है, और जो भी कवर करना है वो कैसे कवर करना है और कितने हद तक कवर करना है। सो उसको लेकर के जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस रहे और मेरे जो एग्जामिनेशन के दौरान ऑब्जर्वेशंस रहे और मेरे जो खुद के सी फाइनल के एग्जामिनेशंस रहे, उस दौरान मैंने अपने प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें की और मैंने कुछ कम की, तो मैंने अभी अपने आप में कुछ एडिशंस भी करें जो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि एज अ स्टूडेंट इवन आई वाज नॉट वेरी गुड विद थिंग्स, डेफिनेटली आप धीरे धीरे चीजें समझते हो, सीखते हो। तो अब जितना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मिक्स करके एक स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा एडवाइस दे रहा हूँ, हाँ स्टूडेंट टीचर जैसा एडवाइस दे रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट को स्टूडेंट एंड एज वेल एज स्टूडेंट को टीचर, एज अ टीचर भी एडवाइस दे रहा हूँ एंड एज अ स्टूडेंट भी एडवाइस दे रहा हूँ। सो कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आपको एक बात बता पाऊँ कि आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन जो है वो किस प्रकार से करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नॉर्मल वीडियो। मैं आपको सिर्फ एक ही एक चीज बताने वाला हूँ कि आपको अपनी नोट्स की कॉपी या आपको जो अपना नोट्स है उनको किस तरह से बनाना है, जिस वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। आप जरा देखिएगा, सबसे पहले आप जिधर भी कोचिंग लें या आप कोचिंग ना लें, कोचिंग अगर नहीं लेते हैं तो आईसीएआई का जो स्टडी मैट है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि इसमें से ही मेजरली पेपर आता है। आपको मेजर पेपर देखा दिखाया ही मिलेगा एग्जामिनेशन में, बस आपको जो क्वांटिटी में जो बल्क होता है ना, इतना बल्क ऑफ क्वेश्चंस जो आप करते हो वो एक लिमिटेशन करता है क्रिएट, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत पेपर में आने सकती है। तो इस हिसाब से आप सबसे पहले अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तब तो आईसीएआई का स्टडी मैट बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज करें और इसमें काम करें। हर टीचर जो पढ़ाता है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ हमारे जितने भी सैटेलाइट टीचर्स होते हैं, जितने भी लाइव टीचर्स होते हैं, जितने भी पेनड्राइव टीचर्स हैं, जितने भी अच्छे फेस टू फेस टीचर्स हैं जो कि पूरा ध्यान रखते हैं, डिलीजेंट टीचर्स हैं, वो तो क्या करते हैं, वो तो आईसीएआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं अपनी बुक्स में। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि टीचर की बुक पढ़ दी और आईसीआई की साइड में रखवा दी तो गलत काम करवा दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आईसीआई का जो मैट होता है उसका सारा का सारा डेटा टीचर अपने क्वेश्चन बैंक में भी इनकॉर्पोरेट करता है, राइट। तो आपको सबसे पहले कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ऑन सैंपल बेसिस कर लो 3-4 चैप्टर निकाल करके कि आईसीआई का कोई क्वेश्चन छूट रहा तो नहीं है, राइट। और अगर ऐसा छूट रहा है तो फिर वो अलग से आपको करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना। देखो कभी कभी क्या होता है, जो कुछ टीचर्स होते हैं जो कि जिनको मुझे नहीं पता कहाँ होते हैं कैसे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे जानबूझ के कुछ चीजें आपके क्वेश्चंस नहीं कराएं जानबूझ के, तो उसके पीछे उनकी रीजनिंग भी हो सकती है। लेकिन कई लोग बहुत इलॉजिकल तरीके से भी चलते हैं, जो कि नहीं कराया तो नहीं कराया, बात खत्म, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले तो ये काम कर लो सो दैट यू नो दैट हाउ मच फेथ यू कैन कीप इन योर टीचर्स बुक। जैसे ही आपको लग जाए कि यार इसमें पूरा फेथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मूव ऑन कर जाओ। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग टू डू? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि कोई भी नहीं करता, ये बहुत ध्यान रख के करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली बोल रहा हूँ सीए फाइनल को तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और सीए इंटर में भी जिनके कॉस्टिंग एफएम जैसे भारी भारी पेपर होते हैं या टैक्सेशन में जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे बहुत काम आता है। कॉपी पेज नंबर एंड बुक पेज नंबर, बुक में भी पेज नंबर, बुक में तो पेज नंबर गिवन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपी में पेज नंबर जरूर लिखें। राइट हैंड साइड पे आपके जनरली मार्जिन में हमेशा अवेलेबल होता है, टॉप राइट कॉर्नर पे पेज नंबर लिखने की जगह, वहां पेज नंबर अपनी कॉपी में जरूर दें, ये बहुत हेल्पफुल चीज है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं सिंपल सिंपल बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में बहुत आसानी होगी, समझिएगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक क्वेश्चन दिखा 140th पेज नंबर पे, जरा ध्यान से समझना, आपको बात समझाऊंगा कैसे होता है। देखो बुक में ना बहुत ज्यादा हैप हैजार्ड प्लेसमेंट्स भी होते हैं क्वेश्चंस के,
और टीचर कभी भी क्वेश्चन वन के बाद क्वेश्चन टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं कराता, वो कॉन्सेप्ट कराता है, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन पिक करता है और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराता है। तो दैट मीन्स आप जब अपनी सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आप हैपहज़ार्ड वे में चढ़ते हो, आप कभी भी ऐसे नहीं चढ़ते कि वन के बाद टू क्वेश्चन कराए टू के बाद थ्री कराए, इट इज नॉट इवन पॉसिबल विद आईसीएआई स्टडी मटीरियल ऑल्सो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू डू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप कॉपी खोलोगे तो जनरली आपका जो रिविजन लगेगा वो कॉपी से लगेगा। अब जब कॉपी खोलो तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करा है, सो इट शुड हैव कि भाई पेज नंबर कौन सा है 140। इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है। और अगर आपने बुक में मार्क करा है कि भाई 140 वाले पेज पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इट इज इंपॉर्टेंट, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है बुक और कॉपी के मिश्रण से कि अपने को कौन सा क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है और उसका आंसर किधर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि जनरली रिविजन हैपन्स विद कॉपी नॉट विद बुक। सो जब आप कॉपी से रिविजन लगाने स्टार्ट करते हो तो यू फाइंड कि अरे यार ऑल ऑफ अ सडन ये क्वेश्चन आ गया, फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया, फिर बुक में उतना ही टाइम इंसान वेस्ट करता है। सो डोंट डू दैट, मेक श्योर कि आपको एकदम पता हो कौन से पेज नंबर पे क्या है किस तरह से, तो फास्ट हो पाएगा। दोनों ही जगह पे अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टीचर ने मार्क करवाया है या अपने को खुद को लगता है सॉल्व करते समय, अपने कोई कोचिंग नहीं दिया है, अपने को लगता है सॉल्व करते समय कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, या आपकी कॉपी को बेहतरीन बनाने में हेल्प करेगा। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेज हमेशा किसी भी चैप्टर का खाली छोड़े, लास्ट पेज हमेशा किसी भी चैप्टर का खाली छोड़े, सो दैट आपको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी हो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो। लेकिन अभी आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो हमेशा एक प्रैक्टिकल पेपर करते समय और उससे पहले अपनी कॉपी को बनाते समय बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अभी सुनिएगा और देखिएगा। ये रही आपके सामने, मैं जो आप कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में, एक एक्स्ट्रा पेज अपने पास रखना। उस एक्स्ट्रा पेज में क्या लिखना सुनिएगा, उस एक्स्ट्रा पेज में ये लिखना कि हमने जो भी अभी क्वेश्चन किया उसमें सबसे टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई भी अलग पॉइंट, चाहे वो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज में, अपने मनपसंद लैंग्वेज में लिखो, पर लिखो कि इसमें झोल क्या था, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा एरिया क्या था। क्योंकि देखो क्या होता है, आपके 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस एट दी डी डे फिनाले खेलते समय, एकदम पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एरिया देख सकते हो जो क्वेश्चन आपको लगते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको हमेशा हर क्वेश्चन के बाद लिख लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये लर्निंग एरिया था। मैं आपको बताता हूँ होता क्या, जब आप बिफोर एग्जाम टाइम कोई क्वेश्चन को देख रहे होते हो तो आप लोग देख लेते हो काफी बार, कई लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, कई लोग सिर्फ देखते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन देखने पड़े, कुछ क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाओ। नाउ द सिलेक्शन माइट गो रॉन्ग इफ यू डोंट हैव डेटा विद यू। अगर आप इतना सब कुछ लिखे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन के पीछे इतना डिक्टेशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दैट मींस कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए भी अपने को तैयार करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स हैं। एंड मीन वाइल अगर आप नहीं भी तैयार कर पाते, आपको समय की पाबंदी रहती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट स्टफ के बेसिस पे देख सकते हो कि भाई अपने क्वेश्चन में इसमें क्या क्या टिटबिट्स थे, उन टिटबिट्स को आप कैलकुलेटर लेकर के बैठ करके कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, बिफोर एग्जाम टाइम आप देखते हो, आपको लगता है यस आई कैन सॉल्व दिस, और एग्जाम डे आता है तो क्या लगता है कि देखा हुआ है क्वेश्चन पर अटक रहा हूं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ, हर बड़े क्वेश्चन के साथ, बहुत लॉन्ग आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन गया, 3-4 पेज एग्जॉस्ट हो गए, 5-6 पेज, 8 पेज, 10 पेज एग्जॉस्ट हो गए, होल्डिंग कंपनी का कोई क्वेश्चन है, लंबा खिंच गया है, आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई इसमें ये 3-4 चीजें एकदम स्पेशल एडजस्टमेंट्स थे जो कि ध्यान देने योग्य है। तो एग्जामिनेशन में जब आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम जनरल कॉन्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा क्या लग रहा है क्वेश्चन में रीडिंग वाइज, या फिर कहां पे उससे गलती हो सकती थी। तो अपना इवैल्यूएशन अबाउट द क्वेश्चन हर क्वेश्चन के बाद एक पेज में लिखें, यही आपको रिवीजन में भी हेल्प करता है। सो व्हेन यू रिवाइज एट होम यू डू दिस आल्सो। सो साइमल्टेनियस एक्टिविटी करने से आपको बहुत हेल्प होगी, और ये बहुत बड़ा, ये मैं बोलूंगा कि ये मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि मैंने अपने अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन में जरूर यूज किया था, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रिपरेशन में जरूर यूज करा था, और मुझे बहुत हेल्प हुई थी, अदरवाइज मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता था। प्लस मेरे कुछ एडजस्टमेंट जरूर ऐसे होते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता बोलता हाँ ये तो करा होगा, ये तो मुझे आता है, और उसमें पता चलता कि कोई ऐसा एक एडजस्टमेंट है जो मुझे एक्चुअल में करना नहीं आता। तो कभी कभी कुछ चीजें होती है जो देख के जाके ही करते हैं तो ही अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये जो स्पेशल एरियाज हैं ये आपको अलाउ करेंगे कि भाई आप राइट क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाए और फिर आप राइट एरिया भी सिलेक्ट कर पाए, राइट। तो ये तो वो ज्ञान हुआ। लास्ट पेज आफ्टर एवरी चैप्टर शुड बी फॉर रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन नंबर्स, सो यू नो यू नीड नॉट पे मोर अटेंशन टू सेम और सिमिलर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात,
हर चैप्टर का लास्ट पेज खाली छोड़ दो, हो सकता है उस दौरान आपका रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जाम नहीं हुआ तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप चलते रहने देंगे, आप खाली छोड़ के रखेंगे। जैसे ही पेपर हो जाता है, जैसे मान लो आपका पेपर सीए फाइनल का है और सीए फाइनल के लिए ड्यू डेट आई है आपके लिए मान लो मई 2022, ठीक है, और किसी का पेपर मई 2022 में आता है, तो वो क्या करेगा, वो खाली पेज छोड़ के रखेगा जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसके लिए, और जैसे ही उसका नवंबर 2021 का पेपर होता है तो वो उसके क्वेश्चंस को अपने फाइनल पेज पे मार्क कर लेगा, क्योंकि मिलते हैं, देखे दिखाए क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि एकदम नया क्वेश्चन आ गया, और एकदम नया क्वेश्चन आ गया तो पेपर अटैच करके साथ में लिख देना कि इस पेपर का क्वेश्चन नंबर ये है। उससे क्या फायदा होगा, उससे अननेसेसरी एफर्ट कटेगा, क्योंकि जनरली पिछला ही आया हुआ क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो या सिमिलर नंबर्स में रिपीट नहीं होता। देखो इसमें अब बोल सकते हो आप कि सर मेरे तो एक बार पेपर में आ गया था, बट वो वन इन अ रेयर चांस है, बट हाउएवर अगर आप वो लिख के रखोगे तो आपका एफर्ट कम हो पाएगा और आप काट पाओगे वो क्वेश्चन जो हो सकता है टीचर ने बोला इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्चुअल में आपके एग्जाम में आने लायक फिर भी नहीं है, क्योंकि जस्ट कंक्लूडेड एग्जाम में गया। हो सकता है आपको भाई आपका कोचिंग चल रहा था एक सवा साल पहले, क्योंकि फाइनल में तो ऐसा होता है, तो टीचर क्वेश्चन बोल दिया इंपॉर्टेंट है, पता चला कि नवंबर 2021 में आया है तो मई 2022 में चांस कम है, राइट। सो उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। देन फर्स्ट पेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए खाली छोड़ना और लिख देना, वहां पर लिस्ट बना देना आफ्टर डूइंग द फर्स्ट रिविजन। आपका पहला रिवीजन तो होता है उसमें लगभग सारे क्वेश्चन एक बार आपको देखने पड़ते हैं, जैसे ही फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो जाए आप अपने हिसाब से लिख दो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। केयरफुल बात यह है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 20% से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डालें, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आप अपने लिए खुद के लिए बल्क बढ़ाएंगे। तो यू नीड टू नो कि भाई अपने 20% क्वेश्चंस अब ये वाले हैं और ये वाले ही मैं दोबारा करने वाला हूं, मैं दोबारा तिबारा चौबारा बार बार एक ही क्वेश्चन को वापस नहीं करूंगा। आई नीड टू सिलेक्ट 20% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो ये एक्टिविटीज आप जनरली देखो, ये एक्टिविटी 6 महीने पहले हो जानी चाहिए और ये एक्टिविटी भी लास्ट 6 महीने के लिए है, तो ये आपको करनी पड़ेगी सो दैट आप ना समय से अपनी चीजों को प्लान कर पाए। और अगर ये चीज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा तो आपके लिए फिर जिनके भी पेपर्स लेटर ऑन आने वाले हैं वो लोग इस चीज को प्लान नहीं करेंगे। सो बी इट एनी सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल पेपर, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज स्टेप्स, इट वुड बी हेल्पफुल। आप करो नहीं करो दैट इज ऑल अप टू यू, राइट। सो मेरी तरफ से इंटर और फाइनल वाले स्टूडेंट्स में, मतलब जो फाउंडेशन से इंटर में आए हैं और अब जो इंटर से फाइनल में जा रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल टिप्स हैं। अगर वो इनको यूज करते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और प्रैक्टिकल पेपर में आपको मदद मिलेगी, खासकर जो इंटर और फाइनल के अभी तक कोई पेपर दे चुके हैं बच्चे, वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मेरी बात में कितनी गहराई है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल पेपर देकर देख चुके हैं और उनको पता है कि एंड में क्या हालत होती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स है। लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं एट बेस्ट रेट्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, जरा मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करूंगा थोड़ी देर, सो आई विल जस्ट कम टू दिस एंड मैं जरा आता हूं अनअकैडमी दीदी। सो अनअकैडमी आप देखिएगा कि किस तरह की चीज है और आपको बड़ा मजा आएगा। तो मैं अनअकैडमी पे आया हूँ, अनअकैडमी.com प्लस गोल में हम लोगों ने सी एग्जाम्स लिया है और हम आपके सामने कुछ पेश कर रहे हैं, राइट। नाउ इफ यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, आप यहाँ पर जाकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे पता है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 प्लस टॉप एजुकेटर्स, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। और अभी आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि अगर आप मान लो रेफरल कोड लिखते हो CA रजत जैन, तो आपको इस पे सीधा सीधा जो है बहुत ही अच्छी डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं, और लाइव के अलावा मैं आपको ये भी दिखा दूं चीजें कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो जितने भी टीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि देखो जैसे राजके सर है, कपिल गोयल सर है, नुपुर मैम है, प्रकाश सर है, जे एस जौहर सर है, नीरज सर है जो कि मेरे अपने भाई है, राइट, एंड वी ऑल आर देयर। सो इतने सारे जो टीचर्स हैं इन सभी के कोर्सेज, जैसे कि अगर मान लो मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूं और राघव सर भी कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, तो दोनों का ही कॉस्टिंग अवेलेबल है, तो आपको अपने आप को प्लान करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने आपको दिखाया अभी, वो आपको कितने में मिला, जस्ट 500 रुपीज फॉर दिस मंथ, सो इट इज वेरी हेल्पफुल। और अगर मैं आपको बताऊं तो 12 मंथ्स की रेट भी बहुत ज्यादा
आपको खाएगी नहीं। 12 महीने आप सब कुछ देख सकते हो, और आपने जो अगर फ्री क्लासेस देखे हैं तो उसके रिडीम भी कर सकते हो आप क्रेडिट्स। जरा आप यहाँ पे भी लिख के देखेंगे अगर, तो पूरे साल भर का एक्सेस आपको मिल रहा है, और ये मोबाइल लैपटॉप कहीं पे भी कैसे भी चला सकते हो। इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं 15,000 में पूरे साल भर 8 सब्जेक्ट विद मल्टीपल टीचर्स ऑन द सेम सब्जेक्ट अवेलेबल टू यू। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग यूजिंग दिस। तो आपको अगर मेरे कोड को यूज करके अपना फायदा उठाना है तो आप ये भी काम कर सकते हो। तो मेरे को जो दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया, कहीं ना कहीं आपके पास में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर भी मैंने आपको बात कर दी है। सो दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग टू वेयर, बिकॉज अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन दिस एंटायर कंट्री, और ये दोनों के लिए ही, पढ़ाने वाले के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हमको भी बहुत रिवॉर्डिंग है, एज वेल एज जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, मतलब बहुत बेनिफिशियल है। तो बहुत मजा आ सकता है, लाइव क्लासेस में आप आ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब छोड़ो सर, अगर हमें आपका पेन ड्राइव वगैरह लेना हो तो कैसे कैसे अवेलेबल है, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ कि इंटर में अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और EISSM का पेन ड्राइव अवेलेबल है, एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 23,000, एंड ओल्ड कोर्स ITSM का भी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव अवेलेबल है, एज वेल एज ओल्ड कोर्स इसका का भी गूगल ड्राइव अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ अनअकैडमी पे सर आपका कोर्स कौन सा आ रहा है, तो मैंने कहा अनअकैडमी पे जो मेरा कोर्स इंटरमीडिएट में हाल फिलहाल तक आ रहा है वो आ रहा है कॉस्टिंग का कोर्स आ रहा है। सो कॉस्टिंग अगर आपको मेरे से पढ़नी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ग्रुप वन में आपको नीरज सर से अकाउंट्स भी पढ़नी है तो आपको ये चीज वहां पे अनअकैडमी पे मिल जाएगी, अपार्ट फ्रॉम अदर टीचर्स हु आर टेकिंग अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल, आपको बहुत अच्छे में फायदे में मिल जाएगा। हालांकि अभी तक मेरा EISSM वगैरह का कोर्स लॉन्च नहीं है और उसमें आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अपने पेन ड्राइव के रेट्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बता दूं कि हमारे पास में CA फाउंडेशन लॉ, जो कि मेरा मेरा खुद का पढ़ाया हुआ है और चलता है, तो CA फाउंडेशन लॉ की भी आपको पेन ड्राइव अवेलेबल है, और सर प्राइस कितना रहेगा, ओनली 4,500 rupees. So if you feel like you want such thing, you can actually contact me about this. So this is all from my side. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो भी मदद की वो आपके लिए वाकई में मददगार रहेगी। Thank you very much. Take care and see you soon.